किसान भाइयों, जो अगेती गाजर अभी एक महीना पहले यानी कि करीब करीब 15 अगस्त के आसपास जो लगाए हैं उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में, उनको अभी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है और खेतों में पानी जम रहा है तो पानी की निकास की व्यवस्था करें, और दूसरी ये बात है कि जब फसल एक महीना की हो जाए तब निराई गुड़ाई करके करीब 40 से 50 किलो नाइट्रोजन मिट्टी में मिलाकर मिट्टी चढ़ा दें। किसान भाइयों, अभी जाड़े का जो मौसम का जो मेन सीजन का गाजर भी लगाने का समय आ रहा है, और उसके लिए भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। गाजर की जो प्रमुख किस्में हैं वो दो श्रेणी में बांटा गया है, उष्ण वर्गीय किस्में और शीतोष्ण वर्गीय किस्में। उष्ण वर्गीय किस्मों में श्रेणी में प्रमुख किस्में हैं पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा, पूसा आशिता और पूसा कुल्फी। तो पूसा वसुधा करीब करीब 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और उसका औसतन उपज 35 टन प्रति हेक्टर है, और पूसा रुधिरा 25 से 30 टन प्रति हेक्टर पैदावार देती है और ये 90 दिन में करीब तैयार होती है। पूसा आशिता काली रंग की किस्म है, गहरी बैंगनी रंग जिसको हम काला गाजर भी बोलते हैं, और वो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और उसका औसतन पैदावार 20 से 25 टन प्रति हेक्टर है। पूसा कुल्फी एक पीले रंग की किस्म है जो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और उसका पैदावार 25 टन प्रति हेक्टर है। ये जितने उष्णवर्गीय श्रेणी की किस्में हैं उसको किसान भाई आप लोग उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में सितंबर के आखिर से लेकर अक्टूबर के आखिर तक आप बिजाई कर सकते हैं। शीतोष्ण वर्गीय श्रेणी में प्रमुख किस्में हैं नांटिस, पूसा जमदग्नी और पूसा नयन ज्योति। नांटिस और पूसा जमदग्नी ये दोनों का पैदावार 10 से 12 टन प्रति हेक्टर है और 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि पूसा नयन ज्योति एक संकर किस्म है और ये करीब करीब 100 दिन में तैयार हो जाती है और उसका पैदावार 20 टन प्रति हेक्टर है। और जाड़े वाली मौसम में जो आप जड़ वाली सब्जियां लगाते हैं जिसमें गाजर भी है, उसके लिए मिट्टी का चयन आप अगर करेंगे तो बालुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। खेत को अच्छी तरह से जुताई कर दें तो फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा और नीम की खली 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में अच्छे से मिला दें और मेड़ बना दें, और मेड़ों के बीच में अंतराल 1.5 फीट यानी कि 45 सेंटीमीटर होने चाहिए, और मेड़ों पर लाइन पे बुआई करते हैं गाजर की। और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जब बुआई करेंगे उसके पहले सिंचाई करेंगे ताकि नमी बनी रहे मिट्टी में, और बुआई करने के तुरंत बाद खरपतवार नाशी जो पेंडीमिथाइलिन या स्टम्प है ये 1000 लीटर पानी में मिलाकर उसकी स्प्रे करेंगे। अगर बीज उपचारित नहीं है तो उसको आप फफूंदी नाशक कैप्टन या थीराम 2.5 से 3 ग्राम पाउडर लेके 1 किलोग्राम बीज में मिला के उसको बिजाई कीजिए।